हसरत है सिर्फ तुझे पाने की और कुछ ख्वाहिश नहीं है इस दीवाने की। सोचता हूँ शिकायत करूँ ऊपर वाले से, क्या ज़रूरत थी तुझे इतनी खूबसूरत बनाने की। आज छोटू और आरती के मामले के बाद धीरज सिंह जी हमारे बीच हैं और मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, इनका भी ज़िंदगी एक चमगादड़ से कम नहीं है। आप देख सकते हैं, ये दिन के उजाले में नज़र नहीं आते, रात में नज़र आते हैं। अभी रात के समय वीडियो बना रहे हैं, ये मिले हमको तो इनसे पूछा हमने हाल समाचार, तो इन्होंने कह दिया कि साफ शब्द में कि हमारा भी जिंदगी थोड़ा सा दिक्कत में चल रहा है। प्यार जब करेगा इंसान तो दिक्कत में चलेगा ही, प्यार करने वालों की जिंदगी यही होती है। अब आप ये बताइए धीरज जी हमको कि थोड़ा फुर्ती में बोलिएगा कि ये जो छोटू और आरती वाला मैटर है उसमें आप क्या कहना चाहते हैं। प्यार उनको करना चाहिए था, प्यार अगर करना चाहिए था तो रात के 2 बजे या 12 बजे जाना चाहिए था उनके पास। देखिए सर, प्यार करने में गुनाह नहीं है, प्यार को निभाना चाहिए, वो प्यार होता है। और उनको तो रात में जाना ही नहीं था, दिन में उनको जाते और सब माँ पापा। अच्छा, आप प्यार किए थे, आप रात के उजाले में गए थे, रात के अंधकार में गए थे कभी? नहीं, हम कभी रात में नहीं गए थे। झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। हर एक प्यार करने वाला अगर प्यार से मौका मिला तो चूकता नहीं है। हर कोई प्यार करने वाला ये चाहता है कि अंधेरा में हम जाएं और फिर मिलकर आएं, हर कोई चाहता है। लेकिन ये गलत है, कहीं ना कहीं आप रात के अंधकार में क्यों जाइएगा? हो सकता है आपके साथ दुर्व्यवहार हो, गलत हुआ आपके साथ, जो छोटू के साथ हुआ। छोटू की सासू माँ होने वाली, मतलब आरती की माँ ने जवाब दिया, एक वीडियो में मैंने देखा कि उसकी दादी माँ ने कहा, लड़की की दादी माँ ने, कि हम कुकर्म करते हुए पकड़े उसको। अब तो आप समझ ही सकते हैं कुकर्म मतलब क्या होता है। आप बताइए, रात के अंधेरे में आपको जाने की जरूरत क्या थी? छोटू बाबू, आप जब अच्छे इंसान थे तो आपको ये काम करना ही नहीं चाहिए था। इसका मतलब है कि आप पहले भी मिलते होंगे उससे कहीं ना कहीं। मैं उस दिन सर भाभी मतलब बुलाई थी ना। भाभी बुलाई थी, क्या सबूत है? लोग बोलते हैं भाभी बुलाई थी, कोई कहता है भाभी नहीं बुलाई थी। कौन जानता है कि भाभी बुलाई थी कि नहीं बुलाई थी? अब रात के अंधेरे में जाइएगा प्यार का इजहार करने, आप तो होना तो हाँ, लेकिन ये गलत हुआ कि उनको मौत के घाट उतार दिया, ये बहुत गलत है, जान से नहीं मानना चाहिए। हाँ, एक मुजफ्फरपुर में हुआ था कहानी, आप लोग जानते ही होंगे क्या हुआ था। और बाकी धीरज जी इनका क्या कहना, ये तो प्यार में ये भी अधनंगे हो गए थे और अभी हमारे हमको मिले तो फिर पता चला कि इनका भी जिंदगी छोड़कर चली गई होगी जी। देख लीजिए, इन ये भी प्यार किए थे और इनकी भी जो थी वो किसी और को प्यारी हो गई। तो यही जमाना है, ये दुनिया बस मतलब की है, यहाँ कौन किसी का होता है। अक्सर वही धोखा देते हैं जिन पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, ये सच्चाई बात है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और खुश हुआ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। देख लीजिए, प्यार करते थे सर, बहुत प्यार करते थे ना जी। बहुत प्यार करने वाले के साथ यही होता है। कभी रात के अंधेरे में आप गए थे कि नहीं उनके यहाँ? नहीं गए थे। इनका भी हालत बद से बदतर हो गया है, देख लीजिए आप प्यार करने वाले का हालत क्या होता है जब लड़की छोड़ती है। एक गाना आप गाने वाले थे ना, क्रिया खाके वाला, थोड़ा सुनाइए तो, थोड़ा इन पर फोकस रखिएगा कैमरामैन साहब। क्रिया खाके कहा ईमानदारी से, क्रिया खाके कहा ईमानदारी से, प्यार नहीं हरे तक रही ससुरारी से। लेकिन ये गाना तो आप उसके लिए गाए हैं जो लड़की का शादी हो जाता है, नहीं हर ससुराल चली जाती है तो अपने यार को याद रखती है। आपके साथ भी वही हुआ क्या? नहीं हुआ अभी तक। क्या करिएगा, यही जिंदगी है, बस इसी में हाल बुरा हो जाता है लोगों का। अब छोटू आरती का मीटर अब बंद करिए इस मीटर को सब लोग, क्योंकि नहीं तो फिर एक है ना कि घर का धोबी घर का ना घाट का, कहीं का नहीं रहता। ये सब मीटर फालतू है, इस पर ध्यान लगाना बेवकूफ़ी है। अच्छे चीज़ों पर ध्यान लगाएं लोग, अच्छे चीज़ों को देखें और उस पर गौर करें, क्योंकि आप सब लोग जान रहे हैं क्या स्थिति चल रही है अभी छोटू और आरती को लेकर, जबकि ये कुछ नहीं है। हम लोग भी सोचे थे क्या और हुआ क्या, हमको तो लगता है कि सबसे बड़ा ये लड़का और लड़की का ही प्रॉब्लम है। लड़की बुलाई, लड़का गया। आप तार के नीचे बैठकर दूध पीजिएगा ना तो कोई भी इंसान कहेगा कि आप तारी पी रहे हैं। तो सबसे पहले तो गलत आपकी है छोटू जी,
अगर वो बुलाई तो आपको जाना नहीं चाहिए था। एक गाना भी था ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, और फिर भी आप चले गए। तो फिर उनकी भाभी बोले थे कि मतलब शादी करवा देंगे, आप आ जाइए, छोटू जी को बोले गए थे। तो आप सुने थे ये बात? हाँ, ये बात मैंने सुना। कैसे सुने आप? उनका रिकॉर्डिंग वायरल हुआ तो हम सुने। उनकी भाभी मतलब बुलाई थी कि आइए आपका हम शादी करवा देंगे, जो आप आ जाइए। आप क्या सीखे इस प्यार से बताइएगा हमको। सर यही बात है कि हम प्यार तो किए मगर हम नहीं जानते थे कि हम साथ ऐसा हो सकता। आप क्या कहते हैं कि मतलब आप प्यार करना चाहिए? प्यार करना चाहिए मगर थोड़ा सब लोगों को बता के करना चाहिए। आप लोग भी प्यार करिए लेकिन बता कर करिए, मेरे कहने का मतलब यही है। और इस कहानी को बंद करिए, ये बहुत ज़्यादा हो गया, इतना नहीं होना चाहिए। ये सब मुझे लगता है कि माथे से ऊपर जा रहा है सब कुछ। अब कौन कितना, जो जिसने मारा वो तो गुनाह किया ही है, उसको तो सजा मिलना ही चाहिए फांसी का, लेकिन गुनाह तो छोटू जी ने भी किया, आरती भी की, लेकिन वो लौट नहीं सकता। छोटू की आत्मा को भगवान शांति दें, लेकिन ये गलत है भाई मेरे, रात के अंधेरे में कभी नहीं जाना चाहिए, या कुकर्म हो या सुकर्म हो कोई कर्म करने नहीं जाना चाहिए। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इनका भी हाल वही हुआ, देख लीजिए क्या हाल है। और हाँ, प्यार कीजिएगा तो अपने माँ पापा को जरूर बताइए, जो एक ही हुए हैं जो माँ पापा सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो जिंदगी में कोई नहीं सपोर्ट करता है। समझ गए ना, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा जरूर, ताकि आइंदा लोग प्यार करने वाले कम से कम ये सोच कर प्यार करें। धन्यवाद, नमस्ते।